ये देख लो इस बच्चे के काम, ये गया था गली में और ये प्रीत और मन्नत के साथ जाके ले जाना मम्मी पास, चले पापा पास। रात के बज गए हैं 12 और मैं तो अपनी एक पावर नैप ले भी चुकी हूँ। तेरे कमर का कमरा हो रहा है। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज पूरे 2 दिन के बाद हरलीन व्लॉग बना रही है। 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने रेस्ट करा आराम से। 2 व्लॉग एक्स्ट्रा पड़े थे मेरे पास तो वो डुगू ने अपलोड कर दिए थे, तो वही आपके सामने आए वो वाले व्लॉग। तो मैंने डुगू को बोला कि मैं 2 दिन रेस्ट लेती हूँ और रेगुलर चलेंगे, क्योंकि अपडेट ना आपको डे टू डे मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि अभी होली आ गई है, फिर हम लोगों ने घूमने भी जाना है। तो इसीलिए मैंने व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल रेगुलर कर दिया और बिल्कुल टाइम पे आएंगे अब व्लॉग जो आएंगे हम लोगों के। अब आज जो लास्ट व्लॉग डल जाएगा, आपने देख लिया होगा, वो वाला व्लॉग लास्ट डला है। तो आज मैं नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मेरी ट्यूशंस खत्म हो गई, मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। जप्पू के पेपर खत्म हो गए, जप्पू स्कूल से होली भी खेल आया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जप्पू। डुगू ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने कल आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और साथ में डुगू ने तो पराठा खाया, जप्पू ने भी पराठा ही खाया और यहाँ पर डुगू पी रहे हैं मिल्क शेक। जप्पू पिएगा बोनविटा वाला दूध, क्योंकि जप्पू को खांसी इतनी ज्यादा आ जाती है। यस नेवर, नहीं गर्म दूध रुबजा नहीं पीते, ठंडे दूध च पीते, बोनविटा वाला दूध मिलेगा, खांसी शुरू हो जाएगा डुगू, कोई फायदा है नहीं अभी। हाँ तू तो करता ही नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं करता, पापा भी नहीं करते। रात को इतने ठंडे पानी के गोलगप्पे खा के आए थे तो फिर शुरू हो गए सी। दवाई पीली करते रहते हैं। तो अभी मैंने मतलब अपने बिल्कुल रेगुलर टाइम 8 बजे मेरा अलार्म बजा था, मैं नीचे आई, फिर मैंने नीचे की सारी सफा सफाई भी कर दी, किचन भी क्लीन कर दी थी। अब एक बार दोबारा से ब्रेकफास्ट बनाया तो दोबारा से किचन गंदी हो गई है, फिर से क्लीन करूंगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर की सफाई करूंगी, रेडी होंगी, जिम चली जाऊंगी, क्योंकि अभी आगे 2-3 दिन रेगुलर जिम की छुट्टी हो जाएगी तो अभी मैं मिस नहीं करने वाली। कल संडे है, जिम ओपन होती है, मैं सोच रही हूँ कल भी चली जाऊंगी, क्योंकि मंडे ट्यूजडे वेंसडे 3 दिन जिम की छुट्टी होने वाली है। तो मैं आपको बता देती हूँ हम लोग जा कर रहे हैं। फर्स्टली हमारा जो पहले प्रोग्राम बना था वो बना था अयोध्या का, तो मम्मा के हाथ में चोट लगी हुई है ना, मम्मा गिर गई थे कुछ दिन पहले तो उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, तो यही था कि प्लास्टर खुल जाएगा तो अब हम लोग अयोध्या जाएंगे। तो अभी हमारा अयोध्या का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि मम्मा का प्लास्टर नहीं खुला। अद्दा भाई, तो मम्मा का प्लास्टर खुला नहीं है इसलिए मम्मी पापा नहीं आए, तो हमने भी कैंसिल कर दिया। बारी वैसी खटन क्या खट के लिए आंधी कैंसल, अयोध्या कैंसल, सॉरी। हम दोबारा से जब प्रोग्राम बनाएंगे अयोध्या जाने का तो आपको व्लॉग में जरूर पता चलेगा, फिलहाल के लिए हम नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हमारा प्रोग्राम यही बना है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बहुत टाइम से दरबार साहब मत्था नहीं टेका। लास्ट टाइम भी जब हम ग्रीश ब्रो के घर गए थे तब भी हमने जाना था, तो उस टाइम हमारा शायद बुलावा नहीं था इसलिए हम नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल, यमुनानगर। तो हम यहाँ से निकलेंगे मतलब होली से 1 दिन पहले हम यहाँ रात को यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे पहले यमुनानगर, नेक्स्ट डे यमुनानगर खेलेंगे होली और फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम हमारा दिन का होगा वो आपको जरूर दिखेगा व्लॉग में। देन अगले दिन हम जाएंगे सुबह दरबार साहेब, वो वाली नाइट हम दरबार साहेब स्टे करेंगे। देन नेक्स्ट डे हम जाएंगे नकोदर, वहां पे मत्था टेक के वहां से वापसी हमारी घर को हो जाएगी। 3 दिन का ट्रिप है हम लोगों का, तो बहुत टाइम से हम लोग दरबार साहेब और नकोदर मत्था टेकने भी नहीं गए तो हम वहीं पे होके आएंगे। तो बाकी ऐसा ही कुछ शेड्यूल हम लोगों का बना है। तो आज मेरे पास कुछ टाइम कम है, मुझे आज थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, मुझे थ्रेडिंग व्रेडिंग भी करवानी है, तो फ्री हो गई हूँ मैं ट्यूशन से, फिलहाल बिल्कुल फ्री हूँ। तो चलो चलते हैं, जो 2-4 बर्तन किचन में गंदे हो गए उनको फिर से वॉश कर देती हूँ। सो गाइज, मैं जिम से होके वापसी आ गई हूँ रंग बिरंगी बन के। जिम में सब होली खेल रहे थे, बच गई मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, होली खेली मेरे कपड़े खराब हो जाते, मेरे को हल्का हल्का सा कलर लगाया है। मैं लगाऊंगा आज आकर। होली है आज बीरज में, होली है रसिया, आजा गिर जाना मैं जब जी। आज बीरज में होली है रसिया आज भी। सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहां पे ना पानी वाले बलून पे मार रहे थे एक दूसरे को, और रस्ते में मैंने बड़ी थैलियां बहुत गुब्बारे सब कुछ मार रहे, क्योंकि होली परसों है तो लोग अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं।
तो मैं फिलहाल घर पे आ गई हूँ। सो गाइज नहा लिया मैंने और नहा के एकदम से ना शांति मिलती है बॉडी में सच्ची में, क्योंकि जिम में इतना ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना। तो अभी नहा लिया मैंने, आज मैंने अपने हेयर भी वॉश करे हैं और ये महाराज जी नहीं नहाए, चुपचाप जाके ना नहा के आ जा, चुपचाप जाके नहा के आ जा, फटाफट जल्दी पहुंच जा, स्कूल जाता सही रहता है, घर ड्रामे करता है ये, जल्दी नहा के आई, लंच कर लिए नहाया नहीं है, ये नहीं कि मैं जिम गई हूँ मेरे पीछे से नहा ले, जल्दी पहुंच जाई, नहा के आई फटाफट, अभी अभी का मतलब अभी नहा के आ फटाफट। लंच में अपना बना के गई थी और ये देखो ये छोटू सा जरा सा आटा बच गया था, तो ये छोटू सी रोटी भी मैंने बना दी थी साथ में, और यहाँ पर मैंने लिए साथ में दही। सो गाइज मैंने लंच कर लिया है और ये देख लो देख लो, इसको पता लग रहा है मैं व्लॉग बना रही, देखो कि मैं सोफिया से चढ़ के बैठा, फिर भी आवाज भी कटा रहा। नहा लिया है इसने भी फाइनली मेरे डांट लगाने के बाद, ये नहा चुका है और अभी मैं करने लगी हूँ अपना एक सूट सही, मैं सोच रही हूँ यार सूट लेके जाना साथ में थोड़ा सही कर लूँ, तो क्योंकि कपड़े तो मुझे कोई आते हैं नहीं आपको पता ही है, तो मैं सोच रही हूँ गुरुद्वारे में ना एक आधा सूट ले जाती हूँ क्योंकि सूट ही अच्छे लगते हैं, बाकी देखती हूँ क्या कुछ करूँगी, फ्री हूँ अभी कुछ ना कुछ तो करूँगी। सो गाइज अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हमारे जपनूर व्लॉग्स ने भी चेंज कर ली है, पेंट पहन लिया और शूज भी पहन देगी लोड़ा, मैं भी चप्पल ही पहन के चलनी है, मैं शूज पहनता हूँ, ये तो नखरे ना मुंडे ने सच्ची, और ये ना गली में जाता और नई से नई ड्रामेबाजी करके आता है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या ड्रामे करके आया है ये देख लो इस बच्चे के काम, ये गया था गली में और ये प्रीत और मन्नत के साथ जाके ये ड्रामा करके आया गली में, प्रीत और तृप्ति दीदी, हाँ ये देख लो ये अब इन लोगों ने सुबह होली परसों है पर इन लोगों ने कल छोटी होली इन्होंने खेलनी है, ये रेड गुलाल ये येलो गुलाल और ये की है पन्निया, ए पन्निया भी ले आयो तुसी, इतनी पैनिया ना, ए देखो ये गुलाल के पैकेट, ये पता नहीं कौन सी ग्रीस लेके आए हैं, ये पता नहीं किसको लगानी है इन्होंने, मेरे को गलती से भी लगा दी ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी, रख इसको पैकेट में डाल सब कुछ। तो कल ये इन लोगों का होली खेलने की कुछ प्लानिंग है, वेरी गुड। तो अभी मैं जा रही हूँ तिलक नगर जप्पू के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना है तो जप्पू के लिए तो एक दो नई टी शर्ट लेनी बनती है मेरी जान, पागल है क्या ले जाना मम्मी पास, चले पापा पास, चले पापा पास, चले चले मम्मा, अच्छा मम्मा बाय भी कर दो, मम्मा बाय ले जाना, तो अभी मार्केट में बैठी घूम रहे हैं, नींद ले रही है अपने टी शर्ट जप्पू को, मैंने वहाँ बाइक पे बुलाया है, तो तू बुलेट पे बैठा रहे हम लेकर आते हैं, तो हम खा रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे हैं और जप्पू को देखो यहाँ पे अकेला अपना खा रहा है लड्डू बिना मूली के जप्पू। सो फाइनली भी हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं जप्पू की, जप्पू एक एक करके अपनी सारी चीजें दिखाएगा आपको, जप्पू क्या क्या लेके आया है। ओए हाय जप्पू शॉपिंग। सो गाइस पहले लिया मैंने कॉट सेट, ये देखो आजकल कॉट सेट बड़े पहनता जप्पू तू, ये इसका ऊपर का, ऊपर का क्या होता है अपर और ये बॉटम, ये नीचे का चड्डा, नीचे का चड्डा, चड्डा के चड्डी। एक ये मैंने ली है व्हाइट टी शर्ट एडिडास वाली, बैक कर फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ, यस। एक ली है जप्पू ने ये वाली टी शर्ट, लड़कियों वाली कितने नहीं लग रही, लड़कियों वाली फर्स्ट क्लास लग रही है ये देखो, इतनी अच्छी लग रही है, देयर इज नो सच थिंग, पढ़ने दे भाई पढ़ने दे क्या लिखा है, ये बोल रहा मेरे को लगा, देयर इज नो सच थिंग एज टू मच हनी, हनी हनी हनी, और ये मैंने ली है उड़ा एड़ा एड़ी ससा हा हा मेरे पाई, आजा 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 करिए पढ़ाई, तेनू कीवें मैं पढ़ावां कोई समझ ना आवे, पूरी बोल दे पंजाबी, ये वाला गाना था ना डुगू, उड़ा एड़ा एड़ी ससा हा हा मेरे पाई, आजा 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 करिए पढ़ाई, ये वाला गाना सुनेंगे कल जाते हुए रास्ते में। एक ली है जपन नोर ब्लॉगर्स ने ब्लू कलर की टी शर्ट, वाह ब्लू कलर की,
ये ब्लू कलर की सुपीरियर वाली टी शर्ट वा। जब मेरा टॉप भी तू ही दिखा दे। तेनु किवे मैं पढ़ावा कोई समझ ना आवे, पूरी बोल दे पंजाबी पर पढ़नी ना आवे। पोपल, वाओ दिस इज पोपल कलर टी शर्ट। पोपल, दिस इज फ्रंट पिक्चर एंड दिस इज द बैक पिक्चर। और यहाँ पर आइए हमारे घर में होली की गुजिया जो कि भेजी है गौरव भैया ने। होली की गुजिया आई है हम लोगों के घर में। सो गाइज रात के बज गए हैं 12 और मैं तो अपनी एक पावर नैप ले भी चुकी हूँ। डुगू और जप्पू दोनों मूवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पर अब बनाने आई हूँ। एक बार सो के उठ गई हूँ मैं डुगू के लिए। सॉरी गाइज, तो मैं यहाँ पे बनाने आई हूँ दोनों के लिए मिरिंडा वाला दूध, जिसके लिए मैंने लिया है एक कप, बड़े वाला कप भर के पूरा दूध लिया है। और इसमें 3 चम्मच डाली मैंने चीनी। अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंडर से ब्लेंड। जन्म लो तो भी तू ही हम दम, हर जगह चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। मेरी इंडा वाला दूध पीण के अद्धी राती दोनों फिर खांसियां करेंगे। सो अभी ऐड करने जा रही हूँ मैं दूध के अंदर मिरिंडा, फिर एक बार फिर से उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ये इतनी है सारी डाल दूंगी मैं, आधी बोतल है। सो बार जन्म इत्तू जी बचाइए इत्तू सी। ओह माय गॉड गेट द चिल्ड्रन, इत्तू जी बचा के हरीन ने पी ली है। अब इसको ब्लेंड करती हूँ मैं। सो मिल्क इज रेडी। तो दूध दे दिया दोनों को और मैं अब जा रही हूँ ऊपर। मैं बेड खोलूंगी और उसमें से सूटकेस निकालूंगी, पैकिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ पैकिंग कर देती हूँ अभी, क्योंकि कल सुबह इन सब ने ना होली खेलने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो मैं जाके पैकिंग कर लेती हूँ अपनी, फिर सुबह और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो चलो चलिए। तो अभी आए हैं ऊपर और टाइम देखो 1 बज गया पूरा और यहाँ पे अभी हो रही है सेटिंग। ये काम सुबह भी हो सकता है जो तुम इस टाइम कर रही हो। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी वो है ना अपनी जनानी के लिए दया, तो ये बेड मेरे से खुलता नहीं है, कमर दर्द होती है मेरी। तेरी कमर का कमरा हो रहा है थोड़ी चल्ला कर तू सल्ला रे। तेरी कमर का कमरा हो रहा है ना जब तो अभी खुलवाया किसने ये बेड? हाँ तो आपने खुलवाया ना तभी आपने एक एक बार तक आपकी फिल्में नहीं खत्म होती। अभी भी फिल्म खत्म नहीं, तो जो तुमने ड्रामे करे मैं फिल्म देख रहा था। आपके नहीं खत्म होते, फटाफट करो अब इसको। तो यहाँ पे अटैची हमारी निकल चुकी है, कल हमने जाना है यमुनानगर होली खेलने। ये हो होली खेल, बड़ी सोनी होली खेलने। चलो तुम करो फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।